गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनपुर में। आज हम लाए क्लास 9th के बच्चों के लिए आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रैटेजी। तो आपको पता है चैप्टर्स सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, चैप्टर कौन कौन सा आ रहे हैं, कितने मार्क्स का आ रहे हैं आपको उसके हिसाब से ही पढ़ना होता है। तो चैप्टर नंबर 2 आपका 12 मार्क्स का अकेला आ रहा है, चैप्टर 8, 10, 11 तीनों ज्योमेट्री के चैप्टर हैं, तीनों 15 मार्क्स यानी तीनों प्लस करके 15 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 13 9 मार्क्स का एंड चैप्टर 15 आपका 4 मार्क्स का। सबसे कम अगर हम देखें तो चैप्टर 4 15 मार्क्स का, उसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन केस स्टडी पर दे दिए जाएंगे आपको। आपको जो क्वेश्चन में टोटल दे रखा होगा वो जैसे टोटल हमेशा नंबर आ नंबर होगा एंड जो आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसे आपको डिवाइड करके पूरे पॉइंट में आंसर अच्छे से देना होता है। तो ये तो चैप्टर 15 की बात हो गई। चैप्टर 13 के सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 11 में कंस्ट्रक्शन है, एंगल बाइसेक्टर्स आ सकते हैं। चैप्टर 10 में बहुत सारी आप कहेंगे थ्योरम है, बट आपको सारी थ्योरम पढ़नी है, बस एक ही थ्योरम आएगी जिसका प्रूफ कर सकते, प्रूफ करने के लिए एक ही थ्योरम आएगी, बाकी सारी मोटिवेट थ्योरम है। तो थ्योरम एक है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये वाली थ्योरम है वो जो कि आपकी प्रूफ के लिए आ सकती है। नेक्स्ट मोड जो कि मैंने प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर में भी करवाई थी आपको, आप उसमें से भी जाके देख सकते हैं उसका प्रूफ। मोटिवेट में क्वेश्चन मतलब आपको सारी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं पर उसे प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में बाइसेक्टर, 90 डिग्री का बाइसेक्टर 45 होता है वो बनाना आना चाहिए, अब वो भी प्रकार से 45 का बाइसेक्टर आपको आना चाहिए 22.5। और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ये आपका चैप्टर नंबर 8 से हो जाएगा। पॉलीनोमियल में से आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग जो 3 टर्म वाली स्प्लिटिंग होती है वो आनी चाहिए, और फैक्टराइजेशन जो 4 टर्म्स वाली स्प्लिटिंग होती है वो आनी चाहिए, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। और रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको जो डिवाइड वाली थ्योरम होती है रिमाइंडर थ्योरम वो नहीं आ रही, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको वो बिल्कुल नहीं करनी है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आ सकती थी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आपको सॉल्यूशन वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।